वेलकम टू पीआर लर्निंग लैब माय नेम इज सौम्या और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रीपोजिशन ऑफ टू और फॉर के बारे में हम इस वीडियो में इनके यूजेस और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और अगर आपने इस पूरी वीडियो सीरीज की कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वट वी विल लर्न वट आर प्रेपोजिशन एक्सप्लेनेशन एंड यूज ऑफ ऑफ टू एंड फोर एज प्रपोजिशंस प्रपोजिशंस क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में इससे पहले वाले लेसन में बता चुकी हूँ आज हम जिन प्रपोजिशंस के बारे में सीखेंगे वो है ऑफ टू और फॉर आइए अपना लेसन शुरू करते हैं ऑफ़ एज अ प्रपोजिशन सबसे पहले हम जिस प्रेपोजिशन की बात करेंगे वो है ऑफ यूज फॉर बिलोंगिंग टू रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विथ जब भी कोई चीज किसी को बिलोंग करती है किसी चीज से रिलेट करती है या फिर कनेक्ट करती है तब हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज कर सकते हैं द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक डिस्क्राइब्स द ऑथर्स प्रोफाइल यहाँ पर हम बात करेंगे बिलोंगिंगनेस की रिलेटिवनेस की कनेक्शन की कि जो हमारी बुक है उसका फर्स्ट पेज ऑथर के बारे में बताता है पेज ऑफ द बुक मतलब कि बुक का एक पेज page. ये पेजिस बुक को ही बिलोंग करता है इसीलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज किया है आई ऑलवेज ड्रीमड ऑफ बींग रिच एंड फेमस किस चीज का ड्रीम किया है हमने रिच और फेमस होने का इन दोनों ही स्टेटमेंट्स के बीच में एक रिलेशन है इसीलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज किया है यूज टू इंडिकेट रेफरेंस जब भी हमें किसी चीज के रेफरेंस के बारे में बताना होता है तब भी हम ऑफ का यूज कर सकते हैं दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई डॉग ये पिक्चर मेरे डॉग की है आई गॉट अ डिस्काउंट ऑफ फाइव परसेंट ऑन द परचेज मुझे अपनी परचेज पर फाइव परसेंट का डिस्काउंट मिला है तब भी हम ऑफ का यूज करेंगे यूज टू इंडिकेट एन अमाउंट और नंबर आई ड्रांक टू कप्स ऑफ मिल्क ये एक नंबर है इसीलिए हमने यहाँ पर ऑफ का यूज किया है आई हैड ओनली सिक्स आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द लास्ट टू डेज ये भी हमारा एक नंबर के अंडर आता है इसलिए हमने यहां पर ऑफ का यूज किया है टू एज अ प्रपोजिशन यूज टू इंडिकेट द प्लेस पर्सन और थिंग दैट समथिंग टू वर्ड और द डायरेक्शन ऑफ समथिंग जब भी कोई किसी की तरफ मूव कर रहा होता है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो भी हम टू वर्ड का यूज कर सकते हैं आई एम हेडिंग टू द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग मैं बिल्डिंग की एंट्रेंस की तरफ टू वर्ड इट मूव कर रही हूं इसलिए हमने टू का यूज किया है प्लीज सेंड इट बैक टू मी जब भी हम किसी पर्सन प्लेस या थिंग को इंडिकेट करते हैं यहां पर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं कि मुझे वो चीज वापस कर दो टू मी इसीलिए हमने यहां पर भी टू का यूज किया है डिकेट अ लिमिट और एन एंडिंग पॉइंट जब भी हमें किसी चीज की लिमिट बतानी होती है टू एन एक्सटेंट बताना होता है तब भी हम टू का यूज कर सकते हैं द स्टॉक प्राइज इज रोज अप टू हंड्रेड डॉलर जो स्टॉक के प्राइजेस थे वो हंड्रेड डॉलर तक बढ़े थे इसीलिए हमने यहां पर भी टू का यूज किया है यूज टू इंडिकेट रिलेशनशिप My answer to your question is in this envelope. अब यहाँ पे एक relationship है answer और question के बारे में Do not respond to every little thing in your life. अपनी life की हर छोटी से छोटी बात को जवाब यानी कि respond मत करो तो यहाँ पर भी हमने to का use किया है क्योंकि इन दोनों ही statements में एक relationship है Used to indicate a time or a period. इतने टाइम तक इतने से इतने दिनों तक उनके बीच में भी हम टू का यूज कर सकते हैं एक टाइम पीरियड के बीच में बेसिकली फॉर एज अ प्रेपोजिशन अब मैं आपको बताऊंगी फॉर को हम एज अ प्रेपोजिशन किस तरीके से यूज कर सकते हैं यूज टू इंडिकेट दूज ऑफ समथिंग जब भी हमें किसी चीज का यूज होता है मतलब कि कोई भी चीज किस लिए की गई है उसका पर्पस क्या है तब भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं आई बेक द केक फॉर हिज बर्थडे मैंने उसके बर्थडे के लिए केक बनाया शी been studying हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम वो फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ रही है बहुत मेहनत कर रही है तो इसीलिए हमने फॉर का यूज किया फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए यूज टू मीन बिकॉज ऑफ किसी चीज की वजह से तब भी हम फॉर का यूज कर सकते हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूं किसी के लिए फॉर दिस रीजन आई हैव डिसाइडेड टू क्विट दिस जॉब इस रीजन के लिए या फिर इस रीजन की वजह से मैं ये जॉब छोड़ रही हूं वहां पर भी हमने फॉर का यूज किया बेसिकली किसी चीज का रीजन देना यूज टू इंडिकेट टाइम और ड्यूरेशन यहां पर हम कोई टाइम या ड्यूरेशन दिखाने के लिए फॉर का यूज करते हैं आई अटेंडेड द यूनिवर्सिटी फॉर वन ईयर ओनली मतलब एक साल के लिए मैंने ये यूनिवर्सिटी अटेंड की है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं फॉर मतलब होता है किसी चीज के लिए तो जब भी हम हिंदी में किसी स्टेटमेंट में के लिए यूज कर सकते हैं तो वहां पर हम इंग्लिश में फॉर का यूज करते हैं दिस इज ऑल आई हैव फॉर टूडे मेरे पास आज के लिए बस इतना ही है आई होप आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग